Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Sunidhi Arya and I do teach economics on this channel. आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एडवांस लेवल के थोड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स को समझेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी समझाया था और प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंस को समझाया था और फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन को सोल्व किया था. लेट्स सी कि इस पूरी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गो टू द कॉन्टेंट. सबसे पहले हम फैक्ट्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि श्योर इवेंट. श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि ये इवेंट तो 100% होने वाला है. अगर वो इवेंट 100% होने वाला है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाती है. एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम किसी भी डाई को थ्रो करते हैं तो हमें पता होता है कि जो नंबर है वो 1 से 6 के बीच में आएंगे. तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो 7 से कम नंबर आएंगे, 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं जितने भी नंबर आएंगे वो 7 से कम होंगे. इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है. इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, यानी कि आप कितने भी बेटर तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को कर ले तब भी उनकी प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी, वो कभी रियलिटी में पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम जानते हैं डाई को रोल करने के बाद में केवल 1 से 6 के बीच में ही नंबर आ सकते हैं, 6 से बड़ा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाता है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है. अब आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो कोई इवेंट या तो नहीं हो सकता है या बिल्कुल श्योरिटी के साथ हो सकता है. अब प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, या तो बिल्कुल ना हो इवेंट या फिर 100% हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी. हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी. और इससे इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी. और अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होगा उसके होने की संभावनाएं कितनी है. संभावनाएं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना. कोई इवेंट या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, नेगेटिवली नहीं हो सकता. दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. अब हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है. फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स दे नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. जब दो गुड्स की डिमांड जो होती है वो साथ में की जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, यानी कि जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से ये मतलब है कि अगर हमें पता है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 30% है तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी. इवेंट की प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी. इसीलिए इनको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है क्योंकि ये दोनों एड अप करके टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं. जैसे कि टोटल डिमांड कैसे बनती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, दोनों गुड्स की डिमांड जो होगी वही टोटल डिमांड बनकर आएगी ना. तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा वो होगा अगर हमें ई के प्रोबेबिलिटी पता है उसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी नॉट की हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. इससे हम एक कंफ्यूजन ये भी निकाल सकते हैं कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, टोटल प्रोबेबिलिटीज जो होंगी वो 1 के इक्वल होंगी. अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेडेड है जो हमने कल पढ़ा था, बट फॉर्मूले सब में सेम लगेंगे. एक डाई इज थ्रोन वंस. तो अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है. तो डाई को थ्रो किया है तो हम इसमें क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे. डाई को थ्रो करने के बाद उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट्स की. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये सब मैं डिटेल में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आएंगे. अब टोटल आउटकम सबसे पहले हम देखते हैं कितने हैं. टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6.
फेवरेबल आउटकम्स इसमें से कितने हैं, हमें क्या निकालना है, ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर कितने हैं, तीन ऑड नंबर है इसमें, 1, 3, 5, तो ये क्या हो गया 3/6, इसको हम क्या कर सकते हैं 1/2। सेकंड हमें निकालना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टोटल तो सेम ही रहेगा, सैंपल स्पेस तो एक ही सैंपल स्पेस से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, पर टोटल आउटकम्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे, तो वो 6 ही रहेगा, लेकिन प्राइम नंबर जो होंगे वो कितने होंगे। अब आई होप आपको पता हो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर नहीं पता है देन प्लीज ब्रश अप योर मैथमेटिक्स बेसिक्स। फिर भी मैं बता देती हूँ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक के अलावा केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, किसी और से डिविजिबल नहीं होते हैं, और जो 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो इसमें कितने प्राइम नंबर है, इसमें 3 प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5, तो कितने हो गए 3/6 = 1/2। नाउ हमें सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम टोटल लिख लेंगे विच इज सेम। अब हमें ये देखना है कि तो हमें 6 निकालना है, अब ग्रेटर देन 4 कितने होते हैं, 2 होते हैं 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 2/6 = 1/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि दो कॉइन है उनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया एक के बाद एक। अब हमें क्या बताना है कि कम से कम एक बार हेड कितने में आएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताती आ रही हूँ कि हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, दो कॉइन को हमने टॉस किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो ये कि दोनों हेड हेड आ जाए, या फिर एक हेड और एक टेल आ जाए, या फिर पहले एक्सपेरिमेंट में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, या फिर एक में भी हेड ना आए दोनों में टेल आ जाए। अब हमें निकालनी है एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप टोटल नंबर लिख लीजिए नीचे कितना आने वाला है। तो टोटल नंबर कितना आएगा, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फेवरेबल जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, कम से कम एक हेड। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम एक हेड तो होना ही चाहिए। मिनिमम एक हेड कितने में, देखिए इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें कोई हेड नहीं है, तो कितना हो गया 3। तो ये क्या हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। इस वीडियो में हमने देखा है कि जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको ही थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश की है, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल सॉल्व फर्दर मोर क्वेश्चंस। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Subscribe and hit the notification bell so that you get the instant notification for the part 3.